Sharma and you all are watching Palak Sharma Vlog. So guys, I'm back with my new YouTube video. Today I'm doing a collab with one and only Sohini Parveen. तो हम लोग ने बहुत महीनों पहले कोलैब किया था, which was makeup challenge. अगर आपने नहीं देखा है तो link in the description, do check it out. तो उसकी like comments में आप लोग ने बहुत पूरा भर दिया था कि एक और video बनाओ साथ में. तो here I am with it. So today I'm doing truth or drink challenge. So ये जो challenge है, मैं inspired हूँ by मृदुल शर्मा, वो भी बहुत सारे fellow creators के साथ ये challenge करती है. तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी करें. So if you are interested then keep on watching. तो इसका rules मैं आपको बता देती हूँ. तो कुछ क्वेश्चंस सोहिनी ने मुझे दिए और कुछ मैंने सोहिनी को दिए हैं. तो हम लोग को उसका जवाब देना है. इफ हम लोग को लगता है हम लोग को इसका जवाब नहीं देना है तो हम लोग को कुछ ड्रिंक करना होगा. तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग पियेंगे रॉ लेमन जूस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस वेलकम बैक टू पलक चैनल. सो आज का वीडियो है कोलैबोरेशन वीडियो. आपको फैन की आवाज आएगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो आज का कोलैबोरेशन वीडियो का टाइटल है ट्रूथ और ड्रिंक चैलेंज, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे. जैसे कि पलक मुझे 10 क्वेश्चंस देंगे एंड मैं उसको 10 क्वेश्चन दी हूँ. तो उन 10 क्वेश्चंस का हमको ट्रूथ आंसर करना है, या फिर अगर वो क्वेश्चन का आंसर ना हो पाए तो उसको हमको कोई भी ड्रिंक्स लेनी है. मतलब जैसे कि करेला का जूस, बिटर जूस, जो भी है, सोया सॉस जूस. तो मैं वाली हूँ एकदम तड़का, एकदम जो लेमन होते हैं छोटे वाले. तो लेमन मैंने ली है, लेमन को मैंने, नींबू को मैंने इसमें अच्छे से पानी से मिला दिए. पूरी एक नींबू मैंने दी है, पूरा एकदम एक नींबू यहाँ पे दी है मैंने. एंड जो जो नहीं कर पाऊँगी मैं, वो एक ऐसे ग्लास में मैं पूरा ग्लास ओ गॉस पानी था. तो पानी पूरा, मतलब पूरा ग्लास हमको पीना है. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड पलक चैनल. तो अभी चलो वीडियो स्टार्ट करना. कितना येलो येलो है एंड यहाँ पे तीन ऐसे छिलके हैं नींबू के. तो बहुत ही सावर टेस्ट है. मैंने इसको एक बार टेस्ट करके देखा था, एक स्पून. इट इज़ सो सावो कि मतलब क्या ही बताऊँ. तो इसको मुझे पीना है अभी. हियर आर माई क्वेश्चंस एंड मेरा ड्रिंक भी यहीं पे है. इसके अंदर रॉ लेमन जूस है एंड इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर डाला है. एंड इफ हम लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो हम लोग को ये इतना बड़ा कप में पूरा रॉ लेमन जूस डाल के पीना होगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस आल्सो. So guys, my first question is, any one name you wish to have as your name? So मुझे पलक ही अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहती अपना नाम चेंज करना. बट स्टिल एज पर द क्वेश्चन, अगर मुझे चेंज करना होता तो मैं कुछ यूनिक सा नाम रखती. एंड मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है ऐसा यूनिक सा नाम. इफ़ आपके दिमाग में आ रहा है तो नीचे कॉमेंट कर दो. एंड अभी मेरे को आंसर देने के लिए मैं गूगल से पूछती कुछ यूनिक नेम्स फॉर गर्ल्स. शायद मुझे सर्च करके मिलती है. मैंने गूगल पे भी सर्च किया बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा जो भी नाम मेरे को दिखाया गया. तो फिर मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया एंड मुझे लग रहा है मैं प्रीशा रखती अपना नाम, बिकॉज मुझे पी से एक अलग ही लगा हुआ है, बिकॉज मेरा नाम पी से स्टार्ट होता है. तो आई थिंक आई शुड नेम माई सेल्फ एज प्रीशा, क्योंकि प्रीशा इज़ काइंड ऑफ यूनिक नेम. Now moving forward to the second question, which is, what do you hate most in clothes? So guys, I don't think I hate any cloth, but if I like about the preference, I don't like to wear that long skirt. जो घेर वाले long skirts होते हैं, I don't like to wear that. So yeah, I don't hate it, but I don't like to wear it. So yeah, that's my answer. अभी तक तो मैंने कोई drink नहीं पिया, thank God. आगे भी मैं ना पीऊँ तो ये बेहतर है. But let's see. Now let's move on to the next question. She has given me 10 questions. So उसकी first questions है, name 5 items you bought but regretted buying and never used. ऐसा तो मैं कम ही चीज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि हम लोग गरीब हैं. तो मैं ऐसा कम ही करती हूँ. जो मुझे चाहिए होता है वो मैं लेती हूँ. ऐसा 5 चीज़ें, लेट मी जस्ट थिंक, कांट से लाइक मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मुझे, एंड आई कीप इट वेरी नाइसली. तो मेकअप के प्रोडक्ट्स तो मेरी दीदी वगैरह खरीदती है, तो इट्स नॉट माई. बट मेकअप की बात कर सकते हैं. बट यहाँ पे थिंग आइटम्स लिखा है तो बहुत सारी चीज़ें तो होंगी, बट
ऐसा कुछ नहीं है इतना सारा, सो आई हैव टू ड्रिंक आई थिंक, सो फर्स्ट में इतना सही है, आई होप आई कैन सो यू और मैं थोड़ा सा ऐसा कर पर वो पैसे ही नहीं देख सकता तो उसको मैं पीऊँगी। करना है तो करना, ये सावर से ज़्यादा मुझे बिटर लग रहा है थोड़ा बहुत, एंड इट्स सो बैड, सो फ्रिकिंग बैड इट वॉज, एंड आई हेट दिस, ये ड्रिंक कभी ट्राई मत करना, छी इससे बुरा तो और भी करेला का जूस होगा, छी। सो गाइस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फैन पेज यू लव द मोस्ट, यू कैन से ओनली वन, दैट्स अ टफ वन बट फिर भी मैं आंसर ज़रूर करूँगी, आई लव ऑल माई फैन पेजेस इक्वली, बट स्टिल इफ मुझे एक ही बोलना है तो आई वुड से माई फर्स्ट फैन पेज बिकॉज इट वॉज वेरी मेमोरेबल फॉर मी टू, लाइक मेरा फर्स्ट फैन पेज मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है एंड रहेगा भी, ऐसा नहीं है कि और कोई फैन पेज मेरे लिए कोई भी मेमोरेबल नहीं है, मेरे लिए सारी फैन पेज मेमोरेबल है बट स्टिल फर्स्ट फैन पेज की फीलिंग ही कुछ अलग होती है, एवरीवन कैन रिलेट मी फॉर दिस, सो या आई वुड से माई फर्स्ट फैन पेज विच वॉज बटरफ्लाई एक्सेस पलक एक्सेस किसेस, सो यू कैन फॉलो एंड दिस अकाउंट इज हैंडल बाई ईरा, थैंक यू सो मच ईरा फॉर लविंग मी लाइक दिस एंड लव यू। Now next question is show your most embarrassing childhood pic. मेरी कोई भी childhood embarrassing pic नहीं है but एक है मैं यहाँ पे लगा दूँगी देख सकते हो आप मेरी नहीं है तो मैंने स्नैपचैट में एक जो बेबी का फिल्टर आता है वो खींच के लगा दी तो यही है मेरी embarrassing pic बिकॉज ऐसे रियल में मेरी छोटी में कोई embarrassing pic नहीं है तो यही है मेरी एक embarrassing pic आप देख सकते हो। Now let's move on to the next question. One thing that you would never do even if you were offered all the money in the world. So it so this is that मेरी बिल्लियों को किसी अगर किसी ने बोला कि मैं हम ये ले लेंगे एंड यू विल गेट 1 crore rupees एंड ऑल दिस स्टफ, नेवर गोना डू दिस स्टफ एंड स्पेशली माई फोन, मतलब मेरी फोन ही मेरी मम्मी एंड मेरी फोन, नो 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 एंड मोस्ट ऑफ दिस लॉस्ट योर पेरेंट्स, अगर किसी ने बोला कि तुमको मैं ले जाऊंगी एंड आई विल गिव यू 1 crore और उससे भी ज़्यादा रुपीज, तो नो नो एंड स्पेशली माई बिल्ली मेरी कैट्स, नो नेवर। गाइस माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ओनली वन, एक्चुअली इन रियल लाइफ आई डोंट हैव दैट मच फ्रेंड्स बिकॉज like best friends not friends, friends तो बहुत है but best friends इतने सारे नहीं है and मेरे को पसंद भी नहीं इतने सारे को best friend का tag देना, तो दो ही टू है एंड आई डोंट वॉन्ट टू चूज बिटवीन देम एंड इन यूट्यूब तो बहुत भरती है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तो उसमें से भी मैं नहीं करना चाहूँगी चूज़ और मुझे लाइक कर भी नहीं सकती मैं चूज़ बिकॉज सबको मैं इक्वली प्यार करती हूँ, तो मुझे अब पीना पड़ेगा ड्रिंक, इतने देरी से मैं नहीं पी रही थी बट अब मुझे पीना पड़ेगा, हियर इट इज़, मैं डालती हूँ, देखना भी छिलका भी आएगा, देखा पूरा भरती हो गया एंड मुझे पता है बहुत ही ऐसे रिएक्शन होने वाले हैं तो बेयर विद इट। आई कैन कंट्रोल, ओके मैं ऐसे करती हूँ, मैं पीती हूँ विदाउट एनी एक्सप्रेशन, लेट्स ट्राई। कर लिया मैंने, मैंने एक्सप्रेशन तो नहीं दिया कोई, बहुत खट्टा है लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब प्रगति वर्मा दी इन वन वर्ड, सो प्रगति वर्मा दी हैज आल्सो अ यूट्यूब चैनल विच इज ओवर 1 million सब्सक्राइबर्स, आई आल्सो वॉच हर यूट्यूब वीडियोज एंड आई काइंड ऑफ लाइक देम बिकॉज बहुत ही क्रिएटिव कॉन्टेंट होता है उनका, सो आई वुड गिव हर द वर्ड क्रिएटिव फॉर दिस बिकॉज उनके जो कॉन्टेंट्स होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, जैसे लिविंग लाइक अ सिन चैन फॉर 24 hours, लिविंग लाइक अ छोटा भीम फॉर 24 hours, दे आर सो फनी टू वॉच, सो या आई वुड सी क्रिएटिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आई हैव द मोस्ट अनॉइंग एक्सपीरियंस यू हैड, तो ये तो कुछ फ्यू डेज अगो की बात है, फ्यू डेज अगो मैं बाहर जा रही थी एंड एक्चुअली मेरी एक मुझे मेरी फ्रेंड दिखी जो मैं बाहर खेलती वगैरह थी पहले, वह मुझे एक फ्रेंड दिखी, तो
फ्रेंड के साथ मैं थोड़ी सी दौड़ान वगैरह कर रही थी, मतलब सिर्फ मैं ऐसे फील्ड में थोड़ा मैं और वो थी, तो वो मेरे से थोड़ी सी बड़ी है, लाइक मैं सिक्स क्लास में हूँ, वो एट क्लास में है, तो उसने उसके साथ मैं रन करते करते मैं नीचे गिर गई एंड मैं नीचे गिर गई एंड देयर वाज लाइक जो रास्ते वगैरह में होते हैं वो सारे लोग मुझे इतने अजीब तरीके से देख रहे थे, इट वाज मैं अनॉइंग। तो ऐसे ऐसा ना कि टिकलिंग वगैरह करती है, तो टिकलिंग वगैरह मैंने उसको किया था, वो अब मुझे करने जा रही है, तो मैं ना सैंड पे गिर गई थी एंड इट वाज सो अनॉइंग मोमेंट फॉर मी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लव BTS? इफ यस देन एक्सप्लेन दैट हाउ यू गॉट एडिक्टेड टू BTS एंड हु इज योर फेवरेट। सो यस, आई लव BTS, आई एम रियली न्यू इन दिस फील्ड एंड how I got addicted to is because of Ayushi, because she is only the one who explained me about BTS and told me this is the field and all that stuff, and my favorite is Jungkook. Sarangi. The question is, why don't you earn from YouTube? Because you have so many subscribers. So Palak ne mujhe ye question diya hai. I don't earn money, mujhe khud bhi pata nahi hai. I think it is because of account, Google account. Kyunki meri Google account pehle se ekdam matlab itna jaise nahi the, but after 100 subscribers it became like ki main thumbnail to dena hota hai. Matlab wo jo क्या बोलते हैं उसे यार, मैं तो भूल गई, चैनल के ऊपर एक लोगो होता है कि आपका चैनल का नेम, जैसे कि मेरा सोहिनी परवीन वहाँ पे है, उसको क्या बोलते हैं, चैनल बैनर, तो मैं बैनर नहीं था एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नो, मैं मतलब पता नहीं क्यों, बट आई डोंट अर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड आई हैव 7K, लाइक मोस्टली 7K सब्सक्राइबर्स, बट आई स्टिल डोंट अर्न फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि आई थिंक अर्निंग इज कम फ्रॉम 30K सब्सक्राइबर्स और 50K सब्सक्राइबर्स और 100K सब्सक्राइबर्स। तो इज डिस्क्राइब द मोस्ट एम्बरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो ये मैं सोच के रखी थी। सो जब मैं 4 to 5 ईयर्स की थी, तब मैंने एक बार आर्यन को हमारे घर के सीढ़ियों से फेंक दिया था, और हमारे सीढ़ी को तो देखा होगा कि कितने सारे स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर कैसे मैंने पूरा एकदम आर्यन को ऐसे धक्का दे दिया था, क्योंकि हमारी दोनों की लड़ाई हो चुकी थी। अब तब तो हम मतलब ये घर में रहते थे, आर्यन के फैमिली मतलब मेरी चाचा चाची आर्यन एंड मेरी ग्रैंड पेरेंट्स भी नीचे रहते थे, बट अभी घर कर लिया है आपने शायद, किसी ब्लॉग में देखा होगा शायद, आई डोंट नो, पुराने वीडियोज़ पे अगर आप देखते हो तो उस साइड में है एक येलो कलर का हाउस, वहाँ पे मेरी ग्रैंड पेरेंट्स एंड मेरी चाचा चाची एंड आर्यन रहती, तो इस घर में जब थे तो मैंने स्टेयरकेस से आर्यन को फेंक दिया था, तब धक्का दे दिया था एंड मेरी ग्रैंड पेरेंट्स वॉज वॉचिंग मी एंड इट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, अभी मुझे लगता है तब मैं बहुत गुस्से में थी, बट इट्स सो एम्बैरेसिंग एंड मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सताना होता है, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एंड इट्स सो एम्बैरेसिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which scene is your favorite from Avengers Endgame? My favorite scene is when Thanos got killed and I was very happy that Dushman khatam hua. But mujhe bahut dukh hua jab Iron Man mar gaya tha. And the next question is, which is your favorite person in your life? Only one. And without any doubt, I will say my mom. And sabki life mein hota hai aisa koi favorite person, special person. And mere liye wo meri mummy hai because she support me so much. And mujhe kabhi bhi matlab wo nahi hota ki mere paas ye nahi hai, wo nahi hai. Mujhe jo bhi jis samay chahiye wo sab la ke deti hai. And I really love her. Love you, mummy. Next and the last question for me is, who is my crush? So guys, I don't have any crush. Saying it very honestly, मेरे पास literally कोई नहीं है and Bollywood, Hollywood कोई भी industry में कोई भी नहीं है and real life में भी कोई भी नहीं है, but still मैं इसका answer नहीं दे पा रही हूँ because मेरा नहीं है, but still मुझे drink करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, I don't know, because answer है ही नहीं तो मैं क्या दूँ? Yeah, that's the point. So yeah, that's why I will not drink it. That's it. Now that's it for today's video. Hope you all like this video. If you did, please like, share and subscribe to my channel. Also click the bell icon so we'll be notified whenever I upload a new video on YouTube. Thank you so much Sohini for collabing with me in this video. See you in my next video. Tab tak liye, please take care and stay at home and stay safe. Bye bye.